सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने जीवन में ऐसा काम करो, देखो भजन में भी एक दर्शन होता है। प्रत्येक भजन का अपना एक दर्शन है। कई बार पूरे जीवन भर हम भजन गाते हैं लेकिन उसके दर्शन को नहीं जान पाते। अगर दूसरी दृष्टि में देखा जाए, बंसीवाले ने घेर लई, अकेली पनी आ गई। गोपियां थी, पानी भरने गई, बंसीवाले ने रोक लिया, घेर लिया, बातचीत की। एक दूसरा दर्शन। जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर्म करो कि विषय ना घेरे, परमात्मा घेरे। कर्म ऐसा करो कि ये जगत हमें ना घेरे, जगतपति घेरे। आपके पास आपके लिए परमात्मा चल कर आए, ऐसा कर्म करो। भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन इस आनंद को समझना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन की स्थिति को इतना सुंदर कर दो कि परमात्मा तुम्हारे लिए नित पल हर पल सोचता रहे, इसके लिए मैं क्या कर दूं। इस विचार के साथ जीवन जीना है। भागवतम इस कलयुग का वो महान ग्रंथ है जो भगवान से मिलन करवाता है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराता है, भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन कराता है, भगवान के दिव्य धाम का दर्शन कराता है और उसके बाद साक्षात भगवान का दर्शन कराता है। बस व्यक्ति इस बात को सोचे, भगवान हर पल प्रेम बांटना चाहते हैं। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, जिसके मन में अमृत होगा, जिनके विचारों में अमृत होगा, भगवान उन्हीं को प्रेम दे पाएंगे, या ये कह लो वही भगवान के प्रेम को ले पाएगा। जिस पल हम इस विचार को जीवन में उतार लेंगे, विचार हमारे जीवन में क्रांति ले आएगा। हम देखते हैं कई लोग अपने जीवन में जब एक बार परमात्मा से जोड़ लिया, सत्संग से जोड़ लिया, तो उसके बाद उनके तमाम दुख स्वतः समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई। अब एक दर्शन तो यह कि उनके दुख और परेशानियां समाप्त हो गए, दूसरा दर्शन क्या है? दूसरा दर्शन यह है कि न दुख समाप्त हुए, न परेशानियां समाप्त हुई, उन दुख और परेशानियों से होने वाली परेशानी अर्थात मानसिकता बदल गई। अब फर्क ही नहीं पड़ता। खेल है फर्क का, खेल है विचार का, खेल है मन की स्थिति का। हम अपने मन की स्थिति को साध लें तो सब सध जाएगा, लेकिन हम इस बात पर कई बार जीवन में विचार नहीं करते, और विचार नहीं करते तो उसका परिणाम दुख, ग्लानी और परेशानी होता है। जीव को चाहिए, प्रत्येक जीव को चाहिए कि अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, और बहुत अच्छे से तभी जी सकता है जब वो ईश्वर को ध्यान करेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा।